हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजनीति में एक बार फिर बयान से मर्यादा को तार तार किया गया है। कांग्रेस के सांसद हैं पीएल पुनिया, नाम जानते हैं ना आप, पहचानते भी होंगे, जिन्होंने पीएम मोदी की तुलना गांधी के हत्यारे गोडसे से करके एक नया विवाद पैदा कर दिया है। आखिर मोदी की तुलना गोडसे से क्यों? देखिए, मत्था टेक टेक के तो नाथूराम गोडसे ने भी सबसे पहले गांधी जी के पहले पैर छुए थे और उसके बाद गोली मारी थी, तो इनकी पुरानी परंपरा है। प्रधानमंत्री की तुलना गोडसे से करने वाले पीएल पुनिया कांग्रेस के राज्यसभा सांसद हैं और छत्तीसगढ़ के कांग्रेस प्रभारी। रायपुर में पीएम मोदी पर परंपरा को लेकर हमला करने बैठे थे, लेकिन पुनिया साहब खुद ही प्रधानमंत्री पद की प्रतिष्ठा ताक पर रखकर भूल गए। पुनिया ने पीएम मोदी को संविधान विरोधी बताते हुए उन्हें गांधी से निकालकर गोडसे के पाले में डाल दिया। पीएल पुनिया आरक्षण को लेकर मोदी को घेरने निकले और भाषा की लक्ष्मण रेखा पार कर गए। 2014 में पार्लियामेंट का सर नमा के वो अंदर गए थे, माथा टेक के अंदर गए थे और उसके बाद पार्लियामेंट को जिस तरीके से ट्रीट किया जा रहा है, जितना पार्लियामेंट्री प्रोसेस है उसको बाईपास करके कानून पास कराए जा रहे, आज तक कभी भी हिंदुस्तान में नहीं हुआ। और मत्था टेक टेक के तो नाथूराम गोडसे ने भी सबसे पहले गांधी जी के पहले पैर छुए थे और उसके बाद गोली मारी थी, तो इनकी पुरानी परंपरा है। यही वो दो तस्वीरें हैं जिसका जिक्र पीएल पुनिया कर रहे हैं। पहली तस्वीर 2014 की है जब पीएम मोदी पहली बार संसद पहुंचे, सीढ़ियों को प्रणाम किया और अंदर दाखिल हुए। अब ये मोदी के काम का जादू था या जलवा, दूसरी बार पीएम इन्हीं सीढ़ियों से चढ़कर संसद पहुंचे तो पहले से भी प्रचंड जीत का सहरा सिर पर था। इस बार पीएम मोदी ने संविधान को मत्था टेक कर दूसरी पारी का श्री गणेश किया। पीएल पुनिया के बाद कांग्रेस पार्टी बयान पर सफाई देने की जगह उसी परंपरा को आगे बढ़ाने में जुट गई। आज जनता के दरबार में प्रधानमंत्री को साबित करने की जरूरत है कि वो नाथूराम गोडसे भक्त हैं या महात्मा गांधी भक्त हैं। जो अभी तक समीकरण चलता आ रहा है, जो चाल भाव हैं, जो उनकी चाल है, उससे तो यही लगता है प्रधानमंत्री भी नाथूराम गोडसे भक्त हैं और उनकी नीति है मुंह में राम दिल में नाथूराम, हाथ में छुरी और बढ़ाओ समाज में दूरी। गांधी के देश में प्रधानमंत्री पद पर बैठे शख्स की तुलना गांधी को गोली मारने वाले गोडसे से होगी तो हंगामा लाजमी है। बीजेपी ने परंपरा बताने वाली कांग्रेस की परंपरा का पोस्टमार्टम जनता के सामने रख दिया। कांग्रेस पार्टी बाज आ ही नहीं रही। देश में खिलवाड़ किसी ने संविधान से किया तो केवल कांग्रेस पार्टी ने। और गांधी जी की कांग्रेस पार्टी कहां आज की कांग्रेस पार्टी है, ये तो एक परिवार विशेष के इर्द गिर्द घूमने वाली व्यवस्था बन गई है। दरअसल कांग्रेस मोदी सरकार को आरक्षण विरोधी बताकर घेरने में जुटी है और इसके पीछे वजह है सुप्रीम कोर्ट का वो आदेश जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आरक्षण किसी का मौलिक अधिकार नहीं है, सरकारें आरक्षण देने के लिए बाध्य नहीं है। बीजेपी और आरएसएस के डीएनए में, उनके डीएनए में रिजर्वेशन जो है उनको चुपता है और वो किसी ना किसी तरीके से उसको खत्म करना चाहते हैं। दलित ओबीसी एसटी के लोग हैं, उनसे कह रहा हूं कि रिजर्वेशन को हम कभी नहीं मिटने देंगे, चाहे मोदी जी सपना देखें, मोहन भगवत सपना देखें, हम उसको नहीं होने देंगे। इसी टिप्पणी को आधार बनाकर कांग्रेस देश भर में मोदी सरकार को आरक्षण विरोधी बता रही है और मोदी के विरोध में पीएल पुनिया ने उनकी तुलना गोडसे से कर दी। पीएल पुनिया से जब उनके बयान के बारे में पूछा गया तो सफाई की जगह बात को दोहराकर आगे बढ़ गए। उनको इससे कोई लगाव नहीं है, देश का संविधान बनाया है स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने, ये तो वो लोग हैं जिसमें भारतीय संविधान की प्रतियां जलाई थी और आज मत्था टेकते हैं। विरोध के नाम पर पीएल पुनिया ने विवादित बयान की जो चिंगारी सुलगा दी है उसकी आग इतनी आसानी से बुझ जाए ऐसा दिखता नहीं। बीजेपी पीएम के अपमान को बड़ा मुद्दा बनाकर कांग्रेस के खिलाफ इस्तेमाल कर सकती है। न्यूज चैनल इतिहास की सबसे बड़ी सीरीज प्रधानमंत्री सीरीज 2 शनिवार रात 10 बजे।